हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम पढ़ेंगे एलन जिन्सबर्ग की एक पोएम के बारे में। पोएम का नाम है अमेरिका। पेपर है आपका अमेरिकन लिटरेचर पार्ट वन एंड यूनिट नंबर इज टू। ऑथर है एलन जिन्सबर्ग। लेट्स स्टार्ट। ये पोएम पब्लिश हुई थी 1956 में। इसमें राइम स्कीम क्या है? इसमें कोई भी स्ट्रिक्ट राइम स्कीम है ही नहीं। इसे फ्री वर्स में लिखा गया है। लिटरेरी पीरियड क्या है? द पोएम बिलोंग्स टू द बीट जनरेशन। ठीक है, लिटरेरी मूवमेंट जो 1950 से 60s के टाइम पीरियड में चली, दैट रेबल्ड अगेंस्ट सोसाइटियल नॉर्म्स। और ये मूवमेंट जो सोसाइटी के नॉर्म्स है, रेगुलेशंस है, रूल्स है, उसके अगेंस्ट थी, उसको चैलेंज करती थी। योनरा क्या है इसका? इट फॉल्स अंडर द योनरा ऑफ पोइट्री, स्पेसिफिकली रिफ्लेक्टिव ऑफ जिन्सबर्ग्स प्रोटेस्ट पोइट्री। प्रोटेस्ट पोइट्री लिख सकते हो आप। चलो फिर देखते हैं अभी और क्या है। किस बुक या मैगजीन में ये पब्लिश हुई? तो सबसे पहले ये पब्लिश हुई थी हाउल एंड अदर पोएम्स। ये बुक है, एलन जिन्सबर्ग ने लिखी है, इसी बुक में ये पब्लिश हुई थी। इस पोएम के बारे में कुछ बेसिक चीजें समझो पहले। इट इज नोन फॉर इट्स क्रिटिकल एंड सटायरिकल टोन। इसमें सटायरिकल और क्रिटिकल टोन है, यानी कि ये क्रिटिसाइज करती है, सटायर प्रेजेंट करती है सोसाइटी के ऊपर। क्या एड्रेस करती है? वेरियस इश्यू सच एज कैपिटलिज्म, कंज्यूमरिज्म, पॉलिटिक्स एंड द अमेरिकन आइडेंटिटी, मेकिंग इट अ सिग्निफिकेंट पीस विद इन जिन्सबर्ग्स बॉडी ऑफ वर्क। क्या है इसका मेन पर्पस? सटायर करती है, क्रिटिसाइज करती है किसे? कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद को। अमीर आदमी और अमीर हो रहा है, गरीब आदमी और गरीब हो रहा है। पूरी दुनिया की वेल्थ, 99% वेल्थ पूरी दुनिया की 1% लोगों के पास है, और 1% वेल्थ पूरी दुनिया की 99% लोगों के पास है। एक आदमी हमारे देश में है जिसके पास पता नहीं कितने 50,000 करोड़ रुपए हैं, और आम बंदे के पास आपको पता ही है कितने पैसे हैं कि नहीं। हमारे इंडिया की भी वेल्थ 90% वेल्थ 1% लोगों के पास है, पूरे इंडिया की वेल्थ। वो होता है कैपिटलिज्म। ठीक है, उसको ही क्रिटिसाइज करते हैं। तो पोएम शुरू होती है, अमेरिका आई हैव गिवन यू ऑल एंड नाउ आई एम नथिंग। ये पोएम की लाइंस है। अमेरिका $2.27 जनवरी 17, 1956। आई कैन नॉट स्टैंड माई ओन माइंड। अमेरिका वेन विल वी एंड द ह्यूमन वॉर। ये सारी चीजें वो अमेरिका से बातें कर रहा है इस पोएम में। ये देखो, ये बहुत लंबी पोएम है, काफी लंबी। ठीक है, ओके। ये देखो, ये बहुत लंबी पोएम है। अभी हम इसको सबसे पहले हम ये समझेंगे, इस पूरी पोएम में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड्स टर्म्स यूज किए गए हैं वो, फिर पोएम को डिस्कस करेंगे, उसे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पोएम में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले पोएम में एक वर्ड आता है, एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब आपने मूवीज में भी सुना होगा कि नहीं। तो एटम बम कहते हैं न्यूक्लियर बम को, जो न्यूक्लियर बम होता है, परमाणु बम जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं एटम बॉम्ब। ये हाईलाइट करता है द डिस्ट्रक्टिव पावर एंड फियर एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर वॉरफेयर, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमेरिकाज यूज ऑफ एटॉमिक वेपन इन वर्ल्ड वॉर टू। तो ये इसमें इसलिए है एटम बम का, इसमें रेफरेंस इसीलिए, क्योंकि बताता है कि अमेरिका के पास न्यूक्लियर पावर है और अमेरिका ने न्यूक्लियर वॉरफेयर भी किया है। तो अगर ये वॉरफेयर बढ़ जाता है पूरी दुनिया में, बाकी लोग भी ये चीज करते हैं, तो ये कितना डिस्ट्रक्टिव होगा। और दूसरी बात, अमेरिका इटसेल्फ के पास ही डिस्ट्रक्टिव पावर है, तो अमेरिका कितना डिस्ट्रक्ट कर सकता है दुनिया को, और अमेरिका ने कितना डिस्ट्रक्ट किया भी है। हिरोशिमा, नागासाकी, 6 अगस्त, 9 अगस्त, आपको पता ही होगा, लिटिल मैन, फैट बॉय, तो वे सारी चीजें। उसके बाद टर्म आता है ट्रोट्स्कीट्स। ठीक है, ये क्या है? ये फॉलोअर्स है, सिंपेथाइजर है, जो कि लियोन टॉल्स्टॉय के फॉलोअर या सिंपेथाइजर है। लियोन टॉल्स्टॉय क्या है? एक मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरी है, यानी कि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से एसोसिएटेड, और ये रेवोल्यूशन की बातें करते हैं। इनका भी मेंशन यहाँ पे आता है, क्योंकि मार्क्सिज्म और रेवोल्यूशनरी आइडिया कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है। द मेंशन रिफ्लेक्ट्स लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड डिसेंट अगेंस्ट मेन स्ट्रीम कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर। तो ये जो लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उसे डिपिक्ट करने के लिए इनका नाम यूज किया गया है इस पोएम में। उसके बाद वर्ड आता है वोबलीज। वोबलीज ये टर्म क्या है?
यूज की जाते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर ऑफ वर्ल्ड के लिए, ठीक है। ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, IWW। ये एक रेडिकल लेबर और यूनियन है नॉन फॉर इट्स एक्टिविज्म इन द 20th सेंचुरी, एडवोकेटिंग फॉर वर्कर्स राइट एंड रेडिकल सोशल चेंज। तो ये वर्कर्स की यूनियन है जो कहती है वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा राइट्स दो, उन्हें काम करने के ज्यादा पैसे दो। और ये 20th सेंचुरी में यूनियन थी। सोशल चेंज सोसाइटी को चेंज करने की बात करती है, कैपिटलिज्म को खत्म करने की बात करती है, तो इसका भी जिक्र इसमें आया है। उसे इन्होंने वोबलीज कहा है इसमें। कंज्यूम सॉरी कम्युनिस्ट क्या होता है, कम्युनिस्ट एक आइडियोलॉजी है, एक प्रिंसिपल है, ठीक है, जो मार्क्सिज्म से एसोसिएटेड है। कम्युनिज्म पर बेस्ड ही पहले चाइना चलता था, USSR में भी पॉलिटिकल सिस्टम कम्युनिस्ट था। तो ये आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप समझना चाहते हो तो समझ भी सकते हो, इसका भी जिक्र यहाँ पे आएगा। तो एक आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट है जो कहती है ओपन मार्केट फ्री मार्केट होनी चाहिए, दूसरी तरफ आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट है जो कहती है ओपन मार्केट फ्री मार्केट नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट के पास सारी मार्केट गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए। जैसे आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, तो वो नहीं होगा, सारी की सारी कंपनियां गवर्नमेंट के हाथ में होंगी। तो कैपिटलिज्म बात करता है प्राइवेटाइजेशन की, और दूसरी तरफ ये जो कम्युनिस्ट है या सोशलिज्म है, ये बात करता है कि गवर्नमेंट के पास ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री और पावर होनी चाहिए। सो ये कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बताई पोएम के बारे में। कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हो हमारी ऐप अमन पाठशाला के ऊपर, या वेबसाइट विजिट करना amanpathshala.com, वहां पे आपको कंप्लीट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर और बाकी सारे टॉपिक्स के ऊपर एमए इंग्लिश लिटरेचर से एसोसिएटेड मिलेंगे। वीडियो कहाँ पे है, ऐप पे है या वेबसाइट पे है, लिंक कहाँ पे है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तो वहां से क्लिक करके वीडियो आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।